ये गज की आपको पता है कि MG जल्दी इंडिया के अंदर एयर ईवी नाम की एक छोटी सी गाड़ी लेके आने वाली है। बताया जा रही है कि ये टाटा टियागो ईवी की राइवल होगी, यानी कि 10 लाख रुपए से कम के अंदर MG हमें इसको प्रोवाइड करवाएगा। लॉन्च डेट की बात करें तो इंडियन ऑटो एक्सपो 2023 जो जनवरी के अंदर होगा उसमें इस गाड़ी को शोकेस किया जा सकता है। अब आप लोगों के मन में सवाल अब रहा होगा कि ये गाड़ी क्या इंडिया में सक्सेस हो पाएगी। इससे पहले हमारे इंडिया में भाई दो कंपनियां हैं वो ऐसी गलती कर चुकी हैं, एक तो टाटा खुद है जो टाटा नैनो को इस प्रकार से लेके आई थी, दूसरी महिंद्रा भी एक ईवी नाम की एक छोटी सी गाड़ी लेके आई थी लेकिन वो इतनी सक्सेस हुई नहीं। ये भाई आपको देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि वेगनार के घर से आई हुई लगती है या वेगनार की बेटी है या फिर वेगनार की छोटी बहन है? मतलब डिजाइन लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी उसी की जैसी हमें लगती है। कितनी ईवी हो मतलब कितनी सस्ती हो हम नहीं खरीदते भाई, टाटा नेक्सोन भी बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी लेकिन हमने टाटा नेक्सोन नहीं, टाटा नैनो भी बहुत ज़्यादा सस्ती थी लेकिन हमने नहीं खरीदी। टाटा वालों को ये मानना था कि हम जो मिडिल क्लास हैं इंडिया के अंदर उनको भी कार्स हैं वो प्रोवाइड करवा देंगे, लोअर मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन देखो भैया हमें लुक चाहिए, फीचर वगैरह आप मत दो लेकिन हमें लुक अच्छा चाहिए। ये हमारे साथ में मारुति करती है और मारुति हमें बहुत अच्छी तरीके से जानती है, तभी मारुति हमें एल्टो 800 में फीचर नहीं देती लेकिन लुक दे देती है, तो हमारी समाज में इज्जत बनी रहे। अब MG वालों को भैया ये कौन बताए कि इंडियन लोगों को लुक पसंद है फीचर पसंद नहीं है? अब ये लेके आ गए हैं बता रहे हैं ये टू सीटर है, दो गलतियां करती है, एक तो ये टू सीटर है तो वैसे ही नहीं खरीदेंगे, और इसको टैक्सी के अंदर भी ये गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी क्योंकि हम जो थ्री सीटर टेम्पो आता है उसमें भाई हम 7-7, 8-8 बैठ के जाते हैं तो इसमें कैसे बैठेंगे, तो सक्सेस लगता नहीं ये जो प्रोजेक्टर वगैरह ये लेके आए हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ये भाई चीन में सबसे ज़्यादा बिकती है, मतलब इतनी पॉपुलेशन है, तो MG वालों का ये मानना है कि चीन में भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया में भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, अब तो हम फर्स्ट रैंक पे जाने वाले हैं पॉपुलेशन के मामले में तो वहाँ पे भी लोग खरीदेंगे। ना ना ना, हम चीन जैसे नहीं है भैया, हम तो लुक अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा लुक अच्छा लिया हो, बाकी आप टू सीटर नहीं 1 सीटर भी ले आओगे तो हम खरीद लेंगे हमारे ऑफिस वगैरह जाने के लिए, लेकिन आप लुक तो भाई अच्छा लेके नहीं आते हो, हमारे पहले ही मारुति ने वेगनार ला रखी है ऐसी, तो हम क्या करेंगे इस दूसरी गाड़ी को लेके, इज्जत थोड़ी ना खराब करनी है। क्या हुआ कब को अगर ओला उबर के अंदर हम इसमें बैठ के जाएं हमारे दोस्त मजाक नहीं उड़ाएंगे? हम नहीं खरीदने वाले भाई ऐसी गाड़ी। आप इसमें देखना, इसमें आपको 12 इंच के जो व्हील वगैरह वो मिल रहे हैं, आगे LED लाइट्स मिल रही हैं, पीछे भी LED लाइट्स मिल रही हैं, टू सीटर है भाई, चीन में सबसे ज़्यादा ये गाड़ी खरीदी जाती है। MG को लग रहा है कि इंडिया में खरीदी जाएगी? ना ना भाई, नहीं खरीदी जाएगी। आपका क्या ओपिनियन है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। देखो भाई इंडिया में ईवी कार्स हैं वो तभी सक्सेसफुल हो सकती हैं आगे वाले टाइम के अंदर। ईवी अगर मतलब कोई किसी भी कंपनी को मैं सजेशन दे रहा हूँ कि या तो आप पोर्टेबल बैटरी लेके आइए, जैसे मतलब ये छोटी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर आपको पोर्टेबल बैटरी होनी चाहिए। जैसे हमारी जो गैस सिलेंडर होता है जब भी खत्म हो जाता है तो हम सर जो गैस एजेंसी के अंदर जाते हैं, हमारा खाली सिलेंडर है वो देते हैं, गुजरात में उसको बाटला बोलते हैं, उनको देते हैं और वहाँ से उनका भरा हुआ सिलेंडर लेके आ जाते हैं, तो ये सिस्टम हमारा ठीक है। ऐसा ईवी के साथ में होना चाहिए कि पोर्टेबल बैटरियाँ हो, टायर के अंदर अलग अलग सेंटर बना दिए जाएं, तभी हमारी गाड़ी की जो बैटरी वगैरह है वो कम हो तो हम उनकी हमारी बैटरी उनको दे दें और उन वाली बैटरी हमारी गाड़ी के अंदर लगा लें, तो सक्सेस है। दूसरा आप ये सोलर पैनल वगैरह हमारी गाड़ी के छत के ऊपर दे दो तो हमारी गाड़ी अगर धूप में खड़ी होगी तो वो थोड़ी बहुत चार्ज हो जाएगी, मतलब 15-20 या 50 किलोमीटर तक तो हम सर्विस जो चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच सकें अगर हमारी बैटरी बहुत ही पूरी डेड है। इस प्रकार से तो ईवी थोड़ा सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं भी सजेशन तो बहुत ही लोगों ने ये इस प्रकार की दो दिए होंगे, ये मेरा सजेशन है कि अगर आपको ईवी इंडिया में सक्सेस करना है तो कुछ इस प्रकार की आपको पोर्टेबल चीज़ें हैं वो साथ में लेके आनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हम ईवी तो लेके आ गए, अब भैया हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर वगैरह के अंदर इतने चार्जिंग स्टेशन हैं नहीं तो कैसे मतलब ईवी सक्सेस कैसे होगा? चाइनीज कंपनियों के जो टू व्हीलर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये ओला S1, ये ओला उबर वगैरह, जो ओला वगैरह हैं, ओला S1 प्रो या फिर चाइनीज के भी आजकल बहुत ज़्यादा रहे हैं, नाम तो इनका पता भी नहीं है, तो सक्सेस नहीं है। अकेले घर पे गाड़ियाँ चार्जेबल नहीं हो सकती भाई, इंडिया में अलग सिचुएशन है, इंडिया के लोगों की मेंटेलिटी ऐसी नहीं है, और इंडिया के यहाँ पे अगर ईवी गाड़ी तभी सक्सेस हो सकती है अगर आपके पास में पहले से दो गाड़ियाँ हैं, एक तो गाड़ी अगर आपकी पेट्रोल डीजल के अंदर आपके पास में पहले से है जो 7 सीटर या फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आपके पास में 4 सीटर या 5 सीटर गाड़ी है, और दूसरी आपके पास में इलेक्ट्रिक गाड़ी है ऑफिस वगैरह जाने के लिए। देखिए भैया हम एक गाड़ी अपनी मेहनत से खरीदते हैं तो दो दो गाड़ियाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप हमारी थोड़ी जो मजबूरियाँ हैं वो थोड़ी समझिए। लेकिन आपको क्या लगता है ये गाड़ी इंडिया में सक्सेस हो पाएगी? नैनो भी नहीं हुई, मुझे तो लगता है कि नैनो भी नहीं हुई, और महिंद्रा भी एक इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है वो लेके आई थी, और हाल ही में कई कई बार मारुति भी ऐसी चर्चा में आती है कि वो भी वेगनार को ईवी के अंदर लेके आते रहते हैं। ये वाली फोटो काफ़ी बार वायरल वो हुई है कि ये वेगनार ईवी है, वेगनार जरूर है वो सक्सेस हो सकती है क्योंकि वेगनार को हमने पैदा हुए तब से देखा है और लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और हमेशा वो टॉप सेलिंग कार के नंबर के अंदर भी रहती है, 2-3 नंबर पर रहती है भाई वेगनार। उसकी कई अच्छाई भी हैं कि उसमें आपको ज़्यादा लेग स्पेस, और जो हमारे जो भाई वो 60s के जो हमारे पापाज हैं उनको वो वेगनार अच्छी लगती है, हमें अच्छी लगे या फिर नहीं लगे,
तो गाइस ये था MG Air EV के रिलेटेड। ये टियागो ईवी की राइवल बताई जा रही है भाई। टियागो ईवी लुक के अंदर भी अच्छी है, अच्छी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है, और टाटा तो नंबर वन है भाई ईवी के अंदर इंडिया में, बाकी कोई दूसरी कंपनी है ही नहीं। टाटा ही नेक्सोन जो ईवी के लेके आ रही है, टिगोर भी अभी ईवी के अंदर वो लेके आए, तो भाई टाटा अच्छी है, MG वगैरह से नहीं हो पाएगा। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।